हेलो दोस्तों, मीवान गादेव ब्लॉग्स में फिर से सबका स्वागत है। और आज हम लोग एक स्पेशल एग्जीबिशन में जा रहे हैं, कृषि एग्जीबिशन है एक्चुअली। और वहाँ पे सिर्फ कृषि नहीं, एक्चुअली काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है वहाँ पे, मतलब फार्मर्स भी हैं, एंटरप्रेनर्स भी हैं और काफ़ी ऐसे कॉलेज भी हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज रिलेटेड जो भी उनसे एसोसिएटेड है वो सभी लोग वहाँ पे मौजूद हैं आज। और प्रिया का भी वहाँ कॉलेज का उन्होंने अपना एक सेटअप लगा रखा है वहाँ पे एग्जीबिशन में, बायो फर्टिलाइज़र का। तो हम वैसे काफ़ी बड़ा है तो हम वही देखने जा रहे हैं, पूरी फैमिली सब है हमारे साथ। अन्ना चिकू सब लोग, चिकू को भी उठा दिया बेचारे को हमने, बेचारा सो रहा था। कृषि प्रदर्शन एट कराड़, जहाँ पे हमारा भी एक MPKV का स्टॉल लगाया है हमने, सेल ऑफ मेट्राइजम एंड सेल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, जो कि हम वहाँ पे सेल भी करते हैं और हमारा MPKV का एडवांस टेक्नोलॉजी भी दिखाते हैं वहाँ पे। तो चलो मिलते हैं कृषि प्रदर्शन में। कैमरा एंगल देखते हैं कहाँ चल रहा है। अरे आज बहुत ज्यादा कर दिए थे, सर बिल्कुल कर दिए नहीं थे। इतनी लंबी लाइन और भीड़ देखने के बाद हमने सोचा कि हम कुछ समय बाहर ही वेट करते हैं और भीड़ का कम होने का इंतज़ार करते हैं। तो हम भी खड़े रह गए चारों और वेट कर रहे थे कि भीड़ कब कम होगी। पर एग्जीबिशन भी ख़त्म हो रहा था तो हमने सोचा चलो अंदर चल ही देते। तो सबसे पहले हम गए MPKV राउरी कॉलेज के एग्जीबिशन में, जहाँ पर उन्होंने एग्जीबिशन में बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड ला रखा था। और ये प्रिया का ही कॉलेज का है, ये स्टूडेंट्स भी वहाँ के ही हैं, इनके सर वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद हम गए थोड़ा सा आगे और हमने देखा वहाँ जैविक खेती और उसका प्रोटोटाइप जो बना के रखा था, काफ़ी खूबसूरत बना। तो काफ़ी घूमने के बाद, एग्जीबिशन देखने के बाद हमने सोचा चलो अभी थोड़ा बाहर जाया जाए, खुले आसमान में थोड़ी सांस ले ली जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सफोकेशन हो रहा था, काफ़ी क्राउड था यहाँ पर, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे, बहुत सी चीज़ें देखी हमने, नई नई चीज़ें जो हमें पता नहीं थी। और थोड़ा चलने के बाद हमने थोड़े चीकू का एंटरटेनमेंट भी किया इस नकली हाथी के साथ। और फिर इन भीड़ में से चलते हुए, इन झूलों को देखते हुए हमने सोचा चलो अब चाय पी जाए। और हमने यहाँ पर देखा सबसे यूनिक चीज़, सबसे यूनिक प्रोडक्ट था यहाँ पर इस एग्जीबिशन में, तो गन्ने के जूस की चाय। तो फाइनली हमें गन्ने के जूस की चाय का काउंटर मिल गया और सच में काफ़ी बढ़िया था। और ये जो काउंटर था, ये ग्रुप ऑफ, मतलब ये बिज़नेस जो एक ग्रुप ऑफ फार्मर द्वारा चलाया जाता है और यहाँ पे गन्ने के जूस से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और ये देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स देखने मिले गन्ने के जूस से बनाए जाते हैं। जो के बाद हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगे और हम निकल गए खाने की तलाश में। हम एक काउंटर गए जहाँ पे दावणगिरी डोसा मिल रहा था, पाव भाजी भी थी। और दावणगिरी डोसा सच में बहुत ही लाजवाब दिख रहा था, काफ़ी टेस्टी था। तो हमने यही दावणगिरी ऑर्डर किया हम तीनों के लिए। अन्ना ने वैसे खाना पसंद नहीं किया, अन्ना को भूख नहीं थी, तो हम ही तीनों बैठ गए दावणगिरी डोसे के मज़े लेने के लिए। चीकू ने भी खाया, चीकू को भी बहुत अच्छा लगा। आई ने फिर सोचा कि दावणगिरी के अलावा और पाव भाजी की भी प्लेट मंगाई जाए, तो हमने एक पाव भाजी भी मंगा ली जो कि इतनी अच्छी नहीं थी, काफ़ी बकवास लग रही थी, तो भी कोई बात नहीं चलेगा। फिर हम दोबारा एग्जीबिशन में आ गए और एग्जीबिशन में हमने इस बार फ्रूट काउंटर को देखा, जो कि एक ऑर्गेनिक फ्रूट काउंटर था। और वहाँ पर काफ़ी अलग अलग फ्रूट्स थे, काफ़ी अच्छे थे, और पर उनके जो साइज़ थे वो एक नॉर्मल फ्रूट से काफ़ी बड़े थे। तो ये भी देखने के बाद हमें काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, ये सब देखने के बाद काफ़ी, मतलब हमें पता नहीं होता है बहुत सी चीज़ों का, लेकिन हमने वो चीज़ें यहाँ ऑब्ज़र्व की, एक्सपीरियंस किया, काफ़ी अच्छा एग्जीबिशन था ये भी।
और ये काउंटर हमारे लिए भी काफ़ी यूनिक काउंटर था ये, क्योंकि एक सीताफल का एक नॉर्मल साइज से डबल साइज़ के सीताफल थे यहाँ पे, और यहाँ पे तो चेरी मिनी ब्रिंजल भी, तो काफ़ी अच्छा काउंटर था ये भी, अच्छा लगा देखने के बाद। और थोड़े दूर जाने के बाद मैंने यहाँ पहली बार ड्रोन देखा, इतना बड़ा ड्रोन, इससे पहले मैंने कभी इतना बड़ा ड्रोन देखा नहीं था। और ये फार्मिंग के लिए यूज़ होता है ये ड्रोन, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट था ये भी, और सच में किसानों के लिए काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है अगर इसका अच्छे से यूज़ किया जाए तो। तो यहाँ हमारा एग्जीबिशन ख़त्म होता है और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर, बहुत थक गए, काफ़ी वॉकिंग की, बहुत क्राउड था, और एक ट्रैक्टर भी लेके आ गए हम चीकू के लिए, चीकू की शॉपिंग, हाँ, जो उसके लिए घंटों भर से रो रहा था, तो हमने उसको ले लिया, बोला ले ही लेते हैं। अभी अन्ना आ रहे हैं, अभी हम यहाँ से डायरेक्टली घर ही जाएंगे। खाना वाना कुछ खाना है क्या? कैजा भाई तेरा ना ना, चलो भूख तो किसी को नहीं है, अन्ना को रहेगी भूख, हमने थोड़ा बहुत डोसा वोसा खाया, थोड़ी पाव भाजी खाई थी, बस चलो निकलते हैं अभी घर पे।